So what's up people, hope you're doing absolutely fine in your life and your Speedy Singh is back again. So एक बारी हम फिर से आ चुके हैं अपने फेवरेट वाले भैया के पास, यानी कि हम आ चुके हैं ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर। सो कवल भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया भैया। तो आज की जो वीडियो है ये काफी नई गाड़ी पर बेस्ड है। टाइटल एंड थंबनेल तो आपने पढ़ी लिया होगा, यानी कि आज हम किया सेल्टोस आपको दिखाने वाले हैं। एक्सेसरीज ये नहीं है कि भर रहे हैं हम गाड़ी को एक्सेसरीज से, बट जितनी भी एक्सेसरीज मार्केट में अभी अवेलेबल है किया सेल्टोस के लिए वो आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा कोई और एक्सेसरी आती है अभी तक? रिफ्लेक्टर्स आने वाले हैं, उसकी फोटो भी आपको हम दिखा देंगे, बट वो नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो देख लेना, रिफ्लेक्टर्स मार्केट में आने वाले हैं किया सेल्टोस के लिए। सो इंट्रो को ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं सीधा वीडियो को और देखते हैं कि किया सेल्टोस में आज हमने क्या क्या इंस्टॉल किया। If you haven't subscribed this channel yet, then do subscribe. And don't forget to press the bell icon if you want the latest updates. Like and share if you enjoy this video. So, जैसे कि कवल भैया आपको बता चुके हैं, आज हमारे पास आई है दो किया सेल्टोस, एक है व्हाइट एंड एक है ग्रे। सो अगर दोनों के काम की बात करें तो दोनों में काम ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है, बट यस, इस वाली जो किया सेल्टोस है इसमें क्रोम का काम है वो थोड़ा ज्यादा हुआ है एंड इसमें इतना काम नहीं हुआ। सो स्टार्ट करते हैं हैंडल क्रोम से जो इस कार के ऊपर इंस्टॉल करे गए हैं, एंड फिनिशिंग आप देख सकते हो। सो वहीं पर ही भैया, अगर हम रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग का क्या सीन है इन क्रोम हैंडल्स के ऊपर? इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, गारंटी नहीं आती पीछे से, इसलिए हम आगे नहीं देते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूँ 3 से 4 साल भी खराब नहीं होंगे, इनकी पॉलिश भी नहीं जाएगी। बाकी जो रस्टिंग की बात है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप खारा पानी से गाड़ी धो रहे हैं और उस पर आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी काला पड़ जाएगा, गाड़ी की बॉडी तक खत्म हो जाती है खारे पानी से। सो वहीं पर अगर हम साइड प्रोफाइल में दूसरी एक्सेसरी की बात करें जो कि क्रोम के साथ रहने वाली है, वो है बेसिकली ये डोर वाइजर्स जो कि यहाँ पीछे तक प्रॉपरली रन होते हुए आते हैं, एंड फिनिशिंग आप देख सकते हो सही है। सो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्रोम एलिमेंट मिल जाता है इनके ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं कार की लुक को इन्हांस करता है, एंड यस, इतना सही है क्रोम अगर आप लगवाना चाहते तो ये क्रोम बेस्ट है, कार की लुक को भी अच्छा एनहांस कर देता है। कवल भैया, ये जो डोर वाइजर्स लगाए हैं इनका क्या हिसाब किताब है? डोर वाइजर है जी ये 60s में और ये भी CNLE कंपनी के हैं। जैसा आपने देखा ये ब्लैक एक्रेलिक पे सिल्वर लाइनिंग है ऊपर, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है आपकी 1250 रुपीज़, 1250 रुपये। जो हैंडल क्रोम है वो अपना 650 रुपीज़ का है, और जो बाउल लगा हुआ है वो 750 रुपीज़ का है। जिस ये बाउल आप देख सकते हैं इसमें सेल्टोस मेंशन है और ये अंदर की तरफ जाती है। सो अगर बात करें रियर प्रोफाइल पर क्या क्या करा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रोम एलिमेंट यहाँ पर भी इंस्टॉल करा है इस कार के अंदर प्रॉपर, एंड नीचे भी क्रोम सारा लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगता है गाड़ी के ऊपर लगा हुआ। एंड यस, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि बंदे को कितना क्रोम कार के ऊपर लगाना है। सो सेल्टोस के लिए ये भी चीज अवेलेबल हो चुकी है मार्केट के अंदर। कवल भैया, ये क्या चीज है और इसका क्या प्राइसिंग है और क्या यूज पड़ता है? ये बूट मैट है और ये प्लास्टिक क्वालिटी में है, 3D शेप में है। इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 1400 रुपीज़। इसका बेसिकली यूज क्या है? इसका यूज ये है कि आपका जो नीचे का आप देख सकते हैं कारपेट है वो गंदा नहीं होता, जैसे जल्दी मिट्टी पकड़ लेता है जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैट डालने से कि आप कुछ सामान कुछ भी रख रहे हैं या कुछ भी गिरा रहे हैं तो आपका नीचे कारपेट सेफ है और मैट गंदा होगा, मैट इजी टू वॉश। तो अगर आप किया सेल्टोस में कुछ फ्लोरिंग करवाने वाले हो या करवाने की सोच रहे हो तो उसका लुक कुछ ऐसा आएगा अगर आप करवाते हो। सो ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि एक तो प्लस ये ईवा मटेरियल है, जल्दी खराब होने वालों में से नहीं है, प्लस कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिनल मैट आता है नीचे वाला उसको बहुत अच्छे से सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि गंदा होने से बहुत अच्छा बचाता है अगर आप फ्लोरिंग करवा रहे हो, एंड फ्लोरिंग की फिटिंग आपके सामने है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिंगल पीस फ्लोरिंग है, इसमें कहीं पर भी आपको जॉइंट नजर नहीं आएगा, ये सारी सिंगल पीस फ्लोरिंग है जो कि कार टू कार डिफर करती है। किया सेल्टोस की जो फ्लोरिंग है वो कुछ ऐसे आपको मिल जाएगी। सो किया सेल्टोस में जो फ्लोरिंग हुई है वो मैंने आपको दिखा दी है, प्लस एक चीज कहना चाहूंगा, फ्लोरिंग वाला एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से हमेशा एक हाई प्रायोरिटी पर रहेगा, यूज मैंने आपको बता दिया, स्टिल पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि उसको करवानी है या नहीं, बट मेरी मानोगे तो करवा लेना। सो फाइनली अब बारी आती है इस वाली किया की, एंड इसमें हमने क्या क्या करा तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सेम व्हाइट वाली किया की तरह हमने इसके अंदर लगाए हैं डोर वाइजर्स क्रोम एलिमेंट वाले, नीचे लगाई है क्रोम वाली साइड बिडिंग कह सकते हो,
क्रोम पत्ती बोल सकते हो, जो आपका मन करे आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है। फ्रंट हेडलैम्प्स में हमने यूज करी है HID और फॉग लैम्प्स में हमने यूज करा है LED, जिसका रिस्पॉन्स या थ्रो कुछ ऐसा है। ठीक है, काफी परफेक्ट है, एकदम बढ़िया चीज है। डिपर देखो भाई कितना जबरदस्त है। सो कवल भैया HID और LED दिखा चुके हैं, बात करें कि हमने कौन सा ब्रांड यूज करा तो एक बार बताओगे? ईगल ब्रांड की हमने HID लगाई है हेडलाइट में 55 वॉट्स में, और फॉग लाइट में भी हमने ईगल ब्रांड की ही LED लगाई है जो 40 वॉट्स में आती है, और जेन्युइन 40 वॉट्स है। ओके, क्योंकि आपको कई सारे ब्रांड बाजार में मिलेंगे LED वाले जिसपे 50 वॉट, 70 वॉट या 100 वॉट लिखा होता है, वो सब फेक होते हैं। बिल्कुल फेक, बिल्कुल फेक होते हैं, सबसे ब्राइटेस्ट LED है ये। ठीक है, और अगर हम इसके प्राइसिंग और वारंटी की बात करें, HID जो है वो आपकी सिंगल बीम वाली जो लगाई है हमने 4000 की है वो कैनवस में, और जो हमने LED लगाई है वो भी सिंगल बीम में 3500 की है। सो अगर अब हम मेरी फेवरेट चीज की बात करें कि इस गाड़ी में क्या ऐसी एसेसरी इंस्टॉल करी गई है, तो है जी सनशेड। ठीक है, ये मेरी फेवरेट है, आप ये भी देख सकते हो, इसके बिना तुम्हारा भाई गाड़ी लेके निकलता ही नहीं है बाहर। ठीक है, सो ये भी अवेलेबल है अब से किया सेल्टोस के लिए ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर। सो भैया क्या प्राइस पड़ने वाला है इसका? सेल्टोस 6 पीस में आता है आपका, जिसमें क्वार्टर ग्लास भी कवर होता है, ये पड़ता है आपको 400 रुपीज का। बहुत सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है। ठीक है, सो इन फिल्मिंग के ऊपर भैया कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? किसी तरह की फिल्म लगाना, चाहे वो लाइट है या वो डार्क है, इलीगल है, अलाउड नहीं है, कोर्ट बैन कर चुका हुआ है, अगर आप लगा रहे हैं तो उसका चलान जरूर कटेगा, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते। भैया चलान तो सनशेड का दिया, सनशेड का चलान देखिए चंडीगढ़ वाले तो नहीं छोड़ेंगे, आप दिल्ली वाले थोड़ा रहम कर सकते हैं आपके ऊपर, तो अगर धूप लग रही है तो सनशेड लगा लीजिए, यदि कोई बात नहीं वो निकल भी सकता है, मतलब परमानेंट नहीं है, काम चल सकता है। हाँ, बट अल्टीमेटली अगर आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप 2 घंटे 2.5 घंटे का सनशेड लगा के कार ड्राइव कर रहे हैं, बाकी उतार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो द नेक्स्ट एसेसरी है, ठीक है, उसकी डेमो मैं कुछ ऐसे देने वाला हूँ, ये देखो। ठीक है, ये हमने लगाया है साइड स्टेप, कवल भैया भी पीछे है और मैं भी खड़ा हूँ, और देखो इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल एंड बढ़िया चीज़ है अगर आपके पास कोई SUV वगैरह गाड़ी है। सो कवल भैया इसका क्या प्राइस पड़ता है, क्वालिटी एंड क्या कह सकते हैं, कौन से ब्रांड का है इसकी? इसका जो प्राइस है वो है 6500 रुपीज़, और ये गैलियो ब्रांड का है। पहले जो हम बेच रहे थे, जो आपने मेरे वीडियो में देखा था, वो गैलियो का नहीं था, अब गैलियो ने लॉन्च कर दिया इसलिए मैं गैलियो में शिफ्ट हो गया हूँ। इसमें वेन्यू और किया सेल्टोस दोनों का अवेलेबल है। और हमने जो उस दिन इनोवा में लगाया था वो इम्पोर्टेड वाला था, बट वो भी प्रॉपर इनोवा क्रिस्टा का था, काफ़ी अच्छा था वो। ठीक है, और कौन सी गाड़ियों के लिए मिल जाता है साइड स्टेप? हर गाड़ी के हिसाब से पर्टिकुलर आता है, जैसे ये वाला साइड स्टेप आपका मैंने बताया वेन्यू और किया के लिए है, इनोवा क्रिस्टा के लिए अलग सा आता है, टाटा हैरियर के लिए अलग स्टाइल है। तो मतलब हर गाड़ी के लिए है ऑलमोस्ट, मतलब मैक्सिमम गाड़ी के लिए मिल जाएगा, बहुत जो अलग गाड़ी है उनके लिए नहीं होता मेरे पास। ठीक है, सो अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर गाड़ी के। तो काफी सारी चीजें कार के इंटीरियर में भी इंस्टॉल करी गई है। कवल भैया सबसे पहले बात करते हैं सीट कवर्स की, तो सीट कवर्स का क्या हिसाब किताब है? सीट कवर जो है ये कंफर्ट प्लस ब्रांड का है, और मैं काफी टाइम से इनका माल बेच रहा हूँ, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, फिनिशिंग काफी अच्छी है, और जो इनकी रेंज है वो 6500 रुपीज से लेके 7800 रुपीज तक की है। ये जो मैंने लगाया 7800 रुपीज का है, और काफी अच्छा लग रहा है, फिनिशिंग चेक कर ही सकते हैं आपके सामने है। जो आपको थोड़े बहुत रिंकल कॉर्नर्स में नजर आ भी रहे हैं वो 5 से 10 दिन में निकल जाएंगे जब फॉर्म सेटल डाउन होगी। ठीक है, मतलब ये निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है? फॉर्म सेटल डाउन नहीं होती ना जो हम लोग लगाते हैं, हाँ जी, जब यूज करेंगे तो सेटल हो जाती है अपनी जगह पे, तो ये सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रेशर पर पड़ के ये सब सेट हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हो जाता है, आप 15 दिन बाद ही इस गाड़ी का चेक करना, दोबारा से क्लियर होगा बिल्कुल। सो जो स्टेयरिंग व्हील है उसको भी हमने कवर करा, यानी कि हैंड स्टिच स्टेयरिंग रैप करा इसके ऊपर, और इसकी आप फिनिशिंग एकदम झकास वाली देख सकते हो, तो ये भी काफी बढ़िया तरीके से हुआ है। सो कवल भैया इसके प्राइसिंग की बात करें, 1100। नेक्स्ट चीज जो यूजफुल है वो है जी इस गाड़ी के 70 mats, एंड ये बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छे लग रहे हैं 70 mats, क्योंकि इनमें गिचपिच ज्यादा नहीं है, यानी कि आप जो स्टिचिंग है वो भी देख सकते हो कि प्योर ब्लैक है, बेसिकली ये जो मैट है बिल्कुल प्योर ब्लैक है, एंड ये सबसे अच्छा मैच हो रहा है पूरा कार के इंटीरियर से, क्योंकि कार का इंटीरियर जो है वो आपको पूरा नजर आ रहा है कि पूरा ही ब्लैक है, तो ये तो एक नंबर लग रहा है। जो ये 70 mat है ये ऑटो फिनिश ब्रांड में है, ये रेगुलर मैट नहीं है, इसको हमने कस्टमाइज कराया स्पेशली सेल्टोस ओनर के लिए, जिसमें मेरे पास प्योर ब्लैक भी अवेलेबल है और ब्लैक में रेड स्टिचिंग में भी है, ये पड़ता है आपको 4000 रुपीज का। और अगर हम इससे नीचे वाली कोई बात करें, रेगुलर में बात करते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होता है हमारे पास, वो 2500 रुपीज। ठीक है, मतलब 1500 रुपए इसलिए महंगा क्योंकि हमने पूरा कस्टमाइज करवा रखा है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं कहूँगा डबल क्वालिटी अच्छी है।
सो हर गाड़ी की तरह आपको इसके अंदर स्कफ प्लेट्स भी मिल जाएंगी। फिलहाल जो स्कफ प्लेट्स हमने इंस्टॉल करी है वो है ब्लू इल्यूमिनेशन के अंदर, साथ में आपको सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है और पीछे वाली स्कफ प्लेट कुछ ऐसी दिखने में आपको मिल जाएगी अगर आपके पास सेल्टोस है तो। पाजी थोड़ा बताओ इन स्कफ प्लेट्स के बारे में। स्कफ प्लेट की कॉस्टिंग है 1000 रुपीज और इसमें हमारे पास व्हाइट कलर है, ब्लू है, पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है, रेनबो रेनबो है, मल्टी कलर वाली जिसमें कलर चेंज होता है, मैट्रिक स्टाइल है, उसकी थोड़े प्राइसिंग अपर है। ऊपर कितना पड़ जाता है लगभग? मैट्रिक्स वाला 1200 रुपीज का है, जो रेनबो वाला है वो 1300 रुपीज। सो आज की लास्ट एक्सेसरी भाई जो हर गाड़ी में आजकल हर बंदा इंस्टॉल करवाता है वो है अपनी एम्बिएंट लाइट्स। एंड ये देखो कलर चेंज कर रही है ना, सो ये भी आप हर गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हो। कवल भैया आपने इसके अंदर यूनिवर्सल इंस्टॉल करा है ये? हाँ जी, ये यूनिवर्सल एटमोसफेयर लाइट है, इसका रिमोट है ये तिजोरी। हाँ जी, कलर चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, वैसे भी चेंज कर सकते हैं कि थीम के हिसाब से आप चेंज करना चाहे अपने हिसाब से। इसके पीछे कोई वायर कटिंग का राज? कोई वायर कटिंग नहीं होगी, ये लाइटर पॉइंट पे लग जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, इसे ऑन ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग है 700 रुपीज विद इंस्टॉलेशन मात्र। हाँ जी, मात्र 700। वैसे जो अपना ये किया वाला क्रोम है लगाया तो हमने इस किया में भी है, सो लगवा सकते हो, काफी बढ़िया लगता है लगा हुआ। तो किया सेल्टोस के जिस हम रिफ्लेक्टर्स की बात कर रहे थे उनका डिजाइन कुछ ऐसा है जो कि जल्दी मार्केट में अवेलेबल होने वाला है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पर। ये टाइप ए है, ओके, ये टाइप डी की फोटो पहले आ गई है, टाइप बी एंड टाइप सी, ये चार टाइप है। तो चारों टाइप्स आपको ऑटो म्यूजिक पर मिल जाएंगे, स्टिल एक बार कंफर्म करके जरूर आना। सो नाउ इट्स टाइम के इस वीडियो को रैप अप करा जाए। जितनी भी एक्सेसरीज थी मैंने आपको किया सेल्टोस की दिखा दी है एंड किया सेल्टोस की ये सबसे पहली वीडियो होने वाली थी अपने चैनल पर और इसके बाद भी और बहुत सारी आएंगी। अगर कोई अच्छी एक्सेसरी मार्केट में आएगी तो मैं पक्का आपको दिखाऊंगा। भैया अगर एक्सेसरी लगवानी है तो कहाँ आना है? ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम 10172 अब्दुल अजीज रोड करोलबाग एंड लैंडलाइन नंबर है मेरा 0114145 1600। गूगल पे आप डाल देंगे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, आप ऑटोमेटिकली दुकान पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। सो सारी के दिन छुट्टी होती है 11:30 to 8 हमारे वर्किंग आवर्स है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम के बारे में। स्टिल अगर आप चाहते हो कि हमें एक्सेसरीज के बारे में अपडेट मिलते रहें तो काइंडली विजिट ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर आपको हर तरीके की एक्सेसरीज के अपडेट मिलते रहेंगे। इसी के साथ अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो काइंडली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका हैंडल है speedysingh1313। एंड यस, आजकल मैं स्नैपचैट पे भी अवेलेबल हूँ, सो अगर आपको स्नैपचैट पे ऐड करना है लिख लेना ओनली फॉक्सेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना वो लाल कलर का बटन दबाकर, और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर देना। नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, साइनिंग ऑफ, स्पीडी सिंह। लगाया तो हमने वैसे ये भी था। यार भैया ऐसे ना बोलो।